नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो अगर हम ये बोलें कि आप ओवरवेट नहीं हैं फिर भी ओबेस हैं, तो ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम आज के डेट में कई लोगों की हो रही है कि वजन तो 60-70 है पर देखने में मोटे लगते हैं, ऐसे लगता है बहुत मोटे हैं, बिकॉज उनके अंदर लिटरली मांसपेशियां खत्म हो रही हैं और चर्बी ही चर्बी है। और याद रखिए, मांसपेशी चर्बी से 3 गुना ज्यादा भारी होती है। तो मांसपेशी कम हो रही है, चर्बी बढ़ रही है, तो वजन कम ही है लेकिन आप मोटे हो। सो दैट इज द अंडरवेट ओबेसिटी। व्हाट इज नॉर्मल वेट? नॉर्मल वेट या ओबेसिटी मतलब वजन नॉर्मल है लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, देन यू आर स्टिल ओबेस। दैट मींस कि उस कंडीशन में आपके बीमारियों के रिस्क, हार्ट अटैक के रिस्क, शुगर के रिस्क, कोलेस्ट्रॉल के रिस्क अभी भी बढ़ जाएंगे। सो नॉर्मल वेट ओबेसिटी मींस यू हैव द सेम सीरियस हेल्थ रिस्क जो बंदा दूसरे हिसाब से मोटा है वैसे, इवन इफ आपका वजन कम है तब भी, बिकॉज जस्ट आपके शरीर के अंदर फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। कैसे पता करें? उसके लिए बॉडी मास इंडेक्स एक ऑप्शन है, ऑल्दो नॉट वेरी वेरी परफेक्ट बट इट इज वन ऑप्शन जिससे डिटरमाइन किया जा सकता है कि आपका हेल्दी वेट है आपके हाइट के हिसाब से या नहीं। अगर आपकी मस्कुलर बॉडी है तब भी आप ओवरवेट या ओबेस दिखाई दे सकते हो, लेकिन अगर आपका वजन कम है, नॉर्मल है, फिर आप दिखने में ओबेस हैं तो ये जरूर बता देगा आपको। बिकॉज लेकिन ये गलती कहां करता है, बिकॉज ये BMI जो है ये बॉडी कंपोजिशन को नहीं देखता, बॉडी में कितना फैट है, कितनी मसल है, इसको नहीं देखता। इसीलिए नॉर्मल BMI वाले लोगों में भी फैट परसेंटेज ज्यादा हो सकता है और उसका उन पेशेंट का BMI नॉर्मल रह सकता है। सो रिसर्चर्स बोलते हैं कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज को देखना चाहिए। इसके लिए अब कई सारी मशीनें आ गई जो बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी एनालिसिस कर देती है कि कितना फैट है, कितना ये है। और अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपका नॉर्मल वेट है लेकिन चर्बी ज्यादा है, तो हार्ट की बीमारी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, हाई BP, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी खतरनाक बीमारियां आपको जल्दी हो जाएंगी, रिस्क होगा, हो सकता है छुपके पड़ी हो, आपको पता भी ना हो, चेक कराओ। सो ऐसे कंडीशंस में आप अपने एडिशनल टेस्ट कराएं, डॉक्टर से मिलें और वो सारी कंडीशंस को स्क्रीन करें, अगर कुछ मिलता है तो उसको प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बॉडी नॉर्मल वजन से भी मोटापा हो सकता है। सो प्लीज चेक दिस एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट जो लोग एक्चुअली मोटे हैं उनके लिए, जो एक्चुअली वजन कम होने के बावजूद मोटे हैं, वो भी ये इस वीडियो से जानकारी ले सकें। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।